हे गाइस, मेरा नाम है शिवांश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंट्राडे गाइड। सो गाइस, आज हम बात करते हैं कि मार्केट में हमें किस तरीके से काम करना है। हम देख रहे हैं कि कल जब मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, हमने देखा था फ्राइडे के सेशन पे, तो हमने देखा था हाई लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी, पर पॉजिटिव ही जाके मार्केट सस्टेन हुई। तो अब ये जो पॉजिटिव है, क्या ये दोबारा मार्केट को ऊपर लेकर जाने में कामयाब रहेगी? जो हमें ऊपर एक हर्डल दिखा था, क्या वो ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता? चार्ट्स के अंदर किस तरीके से मार्केट काम कर रही है, क्या मार्केट कोई रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारी बातें हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे जाके स्टडी करेंगे। साइड बाय साइड आपके लिए मैं 5 स्टॉक्स भी लेकर आया हूँ मंडे के मार्केट के लिए। तो हमें जिस तरीके से लग रहा है चार्ट्स में, हमें देखने को लग रहा है कि शायद एक पॉजिटिव ओपनिंग दोबारा देखने को मिल सकती है। और जो लेवल है, जो आपको लेवल अभी बताया जाएगा चार्ट्स के अंदर, वो लेवल अगर ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस के अंदर, तो वहाँ से हम नए हाइज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लेवल, जो रेंज है, वो शायद ब्रेक होने के कगार में है। सो गाइस, सबसे पहले 5 स्टॉक्स की बात करेंगे, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्टडी करेंगे। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, आपको सबको पता है इसका फुल फॉर्म है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये बाय करने की सलाह दी जाएगी गाइस आपको। हमने कल देखा था कि इसका जो लो था 180 के आसपास था, और उसने जो रिकवरी दिखाई थी गाइस, जो रिकवरी दिखाई थी, जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ है, जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, शायद इस पर हम एक शॉर्ट कवरिंग और देख सकते हैं, जो कि यहाँ से 209 के लेवल पे इसकी क्लोजिंग हुई है, और यहाँ से ये 223 तक का लेवल भी दिखा सकती है एट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी शायद ही दिखा सकती है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बाय करने की सलाह दी जाएगी 214-219 के टारगेट्स के साथ। स्टॉप लॉस आपको 203 का मेंटेन करना पड़ेगा। UBL बाय करने की सलाह दी जाएगी 1275-1287 तक के टारगेट्स हम UBL पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1247 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। CMP आप देख सकते हैं कि 1263 का है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है, 10-12 रुपये नीचे है, पर टारगेट आपको इस पे हायर साइड के मिल रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर 25-30 रुपये के टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल गाइस बाय करने की सलाह दी जाएगी 1448 इसका क्लोजिंग प्राइस है, 1452 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ही बाय करनी है, फॉर अ टारगेट ऑफ 1459-1474, जो कि हमें लगता है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल कल के कल दिखा सकता है दोनों टारगेट्स। स्टॉप लॉस आपको 1439 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस के अंदर। सो गाइज, अब जो मैं आपको बता रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और अब मैंने अपने दोबारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर था वो दोबारा स्टार्ट कर दिया है, लिखना पूरा कोर्स दोबारा लिखना शुरू कर दिया है। और अब आपके लिए जो रेगुलर वीडियोस मैं नहीं बार बार आपके लिए यूट्यूब पे डाल पा रहा था एक दो दिन से, अब मैं गाइज दोबारा रेगुलर हो गया हूँ और मैं रेगुलर आपके लिए डालूंगा। सो टेलीग्राम पे भी आपको सुबह मार्केट ओपन होते ही, होने से पहले ही आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दिए जाएंगे। साइड बाय साइड आपको 2 स्टॉक्स और बता दिए जाएंगे जिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट खुले। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है, नाम है टेलीग्राम का ट्रेड डीलर्स, जाके फॉलो करिए और ज्वाइन हो जाइए, तो मंडे से आपको वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएंगे। फोर्थ आते हैं बर्जर पेंट्स गाइज। बर्जर पेंट्स में मैंने आपको एक लेवल बताया था गाइज कि जैसी ये 440 का लेवल तोड़ती है, मैंने आपको गाइज 430 पे एक शॉट दिया था, और मैंने आपको कहा था कि 445 का लेवल का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और जो नीचे का टारगेट है वो 30 रुपये के है, यानी कि 15 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस मैंने बताया था और शॉर्ट करने की सलाह दी थी। पर गाइज जब मैंने आपको उसी वीडियो में ये बात भी बताई थी कि अगर ये 445 का स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से भी आपको कम से कम 30-40 रुपये दोबारा भी मिल सकते हैं बाय साइड में। तो वही हुआ उस दिन। क्या हुआ उस दिन? हमने देखा कि मार्केट ने हमारा लो टेस्ट करा, जो हमारा टारगेट था वो टेस्ट करा, उसके बाद हमारा जो हाई था, जो हमारा स्टॉप लॉस था, ब्रेक कर गया, और ब्रेक करने के बाद अगर आपने बाय पोजीशन बनाई होती मेरे कहने में, तो मैंने आपको अपने अपने यूट्यूब के थ्रू बताया था, चार्ट्स पे लेकर आपको गया था और आपको बताया था कि वहाँ पर 161 का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है, जो कि 485-486 के लेवल्स तक है, जो कि दिखा रहा है कि वहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो 486 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार मैं बर्जर पेंट्स को दोबारा शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। स्टॉप टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 476-472 का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। टाटा स्टील दोबारा बाय करने की सलाह दी जाएगी, 345-352 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टाटा स्टील के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 332 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
करंट मार्केट प्राइस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आपको दिख रहा है 339 है। तो ये पांच स्टॉक्स है जो पांच स्टॉक्स मैं आपके लिए कल मार्केट के लिए लेकर आया हूँ गाइस। टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे तो यहाँ उसकी भी अपडेट्स, इन पर्टिकुलर पांच स्टॉक्स की भी अपडेट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। साइड बाय साइड निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो गाइस जाइए और फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर साइड बाय साइड आपको ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक के पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पर भी फॉलो करिए। वहाँ पर भी आपको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड हो जाएंगी टाइम टू टाइम। तो सब जगह मेंटेन रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह में गैदर हो जाएंगी और आप आराम से उसका यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं बढ़ता हूँ चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स में जाके हम देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी क्या डाटा शो कर रहा है। तो गाइस सबसे पहले मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ जो चीज़ मैं आपको पहले भी निफ्टी के में दिखा चुका हूँ, बैंक निफ्टी में दिखा चुका हूँ, सेम चीज़ आपको बार बार दिखाता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं या कोई भी हम पैटर्न्स पे चेंज नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाइस कि दो लाइनें जो मैंने सिंपल बना रखी है और एक फिबोनाची, सिर्फ दो ट्रेंड लाइन्स और एक फिबोनाची का यूज़ करके हमें परफेक्ट लेवल मिलते हैं और हम उस पर परफेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। आप कैसे वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जो आपको नीचे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको कहा था एक सपोर्ट का काम कर रही है। ये देख सकते हैं कि जब मार्केट ने एक मूवमेंट दी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी की मंथ में, यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस करा था। मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा था, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और अब उसके बाद हमने देखा यही इसके लिए सपोर्ट का काम कर गया। फिर सपोर्ट को जब तोड़ा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। और मार्केट में तीन दिन पहले यानी कि वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन पर जब हमने मार्केट पे एक बुल रैली देखी थी, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था वो इसी लाइन पे लिया था और यहाँ से एक बाउंस करा था। सॉरी गाइस। तो अब आप देख सकते हैं कि लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि जैसी ये लाइन 11,095 से लेके 11,070 का लेवल, मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी कह चुका था गाइस कि 11,070 का लेवल यानी कि जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है वो ब्रेक हुआ क्लोजिंग बेसिस के अंदर और नेक्स्ट डे भी उसके नीचे बंद होता है तो ज़रूर शॉर्ट करिए और वहाँ से जो मार्केट ने रैली दिखाना शुरू करी थी कॉरपोरेट टैक्स वाले दिन, वहाँ तक दोबारा जा सकता है यानी कि 10,700 तक मार्केट दोबारा जा सकता है। तो इसी बात का हम बार बार एक बाय करने की बार बार निफ्टी में सोचते हैं। तो अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जो रेड कलर की लाइन है, रेड कलर की लाइन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की लाइन का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी इस लेवल पे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी बार सपोर्ट लिया ऊपर जाने के बाद, हमने इधर सपोर्ट देखने को मिला। मार्केट ने जब नीचे इस लाइन को ब्रेक करा तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा और आप देख सकते हैं कितनी तेज हमने गिरावट देखी। सो गाइज ये जो दो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे तो आप बचे रहेंगे। दूसरी बात, तीसरी चीज़ मैंने इस मार्केट में, इस पर्टिकुलर चार्ट में क्या लगाया है, वो लगाया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। कैसे लगाया आप देख सकते हैं, जिस दिन हमने देखा था कॉर्पोरेट टैक्स का कट आया था और रैली हमने देखनी थी, वहां से लो से मैंने जो उसका हाई था उस हाई पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देखिएगा गाइस किस तरीके से ये काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरी, मार्केट ने दो दिन लगातार यहाँ पर 38% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया, उस लेवल को ब्रेक करा तो नेक्स्ट डे उसने 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया और दो दिन बाद इसने 61.8% लेवल पे, मतलब आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो रेंज है उस रेंज पे अभी एक ट्रेड कर रहा है। मैं रेंज के लेवल्स आपको दोबारा बता देता हूँ, जो रेंज का लेवल है वो गाइज रेंज का लेवल है 11,330। नोट करिए गाइज प्लीज, मार्केट इज ट्रेडिंग इन अ रेंज बिटवीन 11,330 ऑन हायर साइड एंड 11,070 ऑन लोअर साइड। तो आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए 11,330 ऑन हायर साइड एंड 11,070 ऑन लोअर साइड पे एक जो निफ्टी है वो रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। जिस तरीके से हमें ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दिखता है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखता है तो वो अपने दोबारा उस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी, यानी कि अगर कल मार्केट 11,330 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम वहाँ से एक हायर लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि मार्केट को 430, 510 और अपने हायर लेवल्स तक और लेकर जा सकती है जो कि इसका 5,650 का है। अगर मार्केट बाय चांस इस लेवल को ब्रेक कर देती है जो कि मैंने आपको लोअर साइड में बताया 11,070 का, तो वहां से भी मार्केट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि कम से कम 400 पॉइंट की गिरावट दिखा सकती है यानी 400 पॉइंट्स की फॉल देख सकते हैं ये लोअर साइड की रेंज टूटने पर, और हायर साइड की जब रेंज टूटेगी
तो वहां से हम कम से कम 300 से 350 पॉइंट्स तक की एक मूवमेंट देख सकते हैं। तो आपको हर तरीके से फायदा है, यानी कि सिर्फ आपको जो ट्रेड करना है वो 200 से 250 पॉइंट की जो रेंज है उस पर ट्रेड करना है। तो इस रेंज के अंदर जब भी आपको निफ्टी मिले तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि ट्रेड मत करिए और आप बैठे रहिए। जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगी, उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तब हम अपने एक बाय सिग्नल को इनिशिएट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इस रेंज को तोड़ा तो था, पर आप देख सकते हैं किस लेवल तक तोड़ा था। जो इसने तोड़ा था वो 11,315 पे तोड़ा था, ना कि 330 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो बाय नहीं बनता। ये लोअर साइड में भी अभी तक इसने 11,070 के लेवल को ब्रेक नहीं करा, तो शॉर्ट नहीं बनता। तो जब तक 11,330 के ऊपर नहीं निकलता, जैसा कि मुझे लग रहा है कि कल ये मार्केट में निकल सकता है, तो बाय पोजीशन बनाइएगा कल मार्केट पे, बाय करके चलिएगा। जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 11,400 और 11,440 तक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो कल मार्केट दिखा सकता है, मुझे एक्सपेक्टेशंस लग रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसा कि आप निफ्टी में देख रहे हैं कि जो ये ग्रीन कलर की लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी पे दो है ग्रीन लाइन जो एक सपोर्ट का काम कर रही है। अब मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा, ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में दिख रहा होगा, तो आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक एक चीज में ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, रेड कलर की लाइन है जो एक हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि लेवल दिखा रहा है वो भी एग्जैक्ट ये लेवल है जिस दिन कॉर्पोरेट टैक्स की आप देख सकते हैं रैली आई थी। ये जो रैली की जो लाइन है, इस ये जो रैली की जो लाइन बनाई हुई है हमने निफ्टी पे, एग्जैक्ट ये बैंक निफ्टी की रेड कलर की लाइन है जो रैली वाले दिन हमें देखने को मिली थी। इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो गाइस निकल के आ रहा है 26,600 का लेवल, ठीक है। अभी जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो 28,040 के आसपास हुई है, और वहां से जो आप देख सकते हैं कि कम से कम 1400 पॉइंट्स ये डाउन साइड में। अब आप देखिए गाइस, सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर ध्यान देना है। ये जो चैनल बना हुआ है, ये चैनल भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस फेस करा इस चैनल के अंदर, ये चैनल के अंदर यहाँ ट्रेड करा, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा, तो ये एक चैनल एक सपोर्ट का काम कर रही है। और जो हायर साइड की चैनल है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस आप, यहाँ पर चैनल ने सपोर्ट लिया, इधर चैनल ने रेजिस्टेंस फेस करा, इधर चैनल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यह देख सकते हैं यहाँ पर भी कैंडल ने एक सपोर्ट फेस करा। एक सेकेंड, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो निफ्टी की रेंज है वो क्या है, 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल से 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। और बैंक निफ्टी की रेंज क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है ये जो हायर साइड में जो आपको लेवल दिख रहा है 50% रिट्रेसमेंट लेवल और 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज ये है, निफ्टी की रेंज थी 11,330 से लेकर 11,070 की। बैंक निफ्टी की अपनी रेंज नोट कर लीजिए, हायर साइड में बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 28,700 है, और लोअर साइड में जो रेंज है वो 27,450 की रेंज है। बैंक निफ्टी जब तक इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, या फिर आप देख सकते हैं जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो डिफरेंस निकल के आ रहा है अराउंड 1200 पॉइंट्स। अगर 1200 पॉइंट्स में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमें बैंक निफ्टी को देखने का। तो आप ट्रेड किस तरीके से लेना है इस रेंज के अंदर भी, मैं वो आपको सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर बताऊंगा और किसी पे नहीं बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड आपको कैसे लेना है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि 50% और 78% के बीच में आपको एक और रेशियो दिख रहा होगा जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर आपको कभी भी 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे मिलता है इंट्राडे पे, जो कि लेवल है 28,150 का लेवल, जैसे ही आपको अगर इंट्राडे में दिखता है कि 28,150 का लेवल ब्रेक करा है, तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 27,800, और नेक्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 27,400। अगर ये 61.8% रिट्रेसमेंट के लेवल के ऊपर निकलती है तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 28,350 और नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका 28,600। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल पे थी, इस लेवल पे मार्केट ने एक सब रेजिस्टेंस फेस करा, मार्केट नीचे गई नीचे गई। अगर आप इस लेवल पे शॉर्ट करते, आपने इस पूरे टाइम कोई ट्रेड नहीं लिया, ये
अगर पर आप इस लेवल के नीचे शॉर्ट करते तो आपका आपको पहला टारगेट मिल जाता, और पहला टारगेट कम से कम 400 पॉइंट नीचे है। इंट्रा डे पे अगर आपको 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें कोई ट्रेड नहीं लेना था जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचता है। अगर इसके ऊपर नहीं गया कोई बात नहीं, इसके यहाँ पर आया तो हमें एक दोबारा शॉर्ट लिया और दोबारा हमारा टारगेट था जो अचीव हो गया। नेक्स्ट डे की बात करें, जब ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, और आप देख सकते हैं हमारा पहला टारगेट भी अचीव हुआ और हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ, यानी कि कम से कम 28,100 से लेकर हमें 28,700, यानी कि कम से कम 600 पॉइंट का टारगेट हमें इंट्राडे पे इस पर्टिकुलर दिन भी मिल गया था। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेंज के अंदर काम कर रही है। अब क्या करना है हमें, मार्केट की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, वो क्लोजिंग है अपने 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे। तो अब नीचे क्लोजिंग है तो अभी कोई ट्रेड नहीं लेना। अब हमें ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट ओपन होगी और मार्केट हम देखेंगे कि अगर इसके ऊपर खुलते ही निकल जाती है 28,150-160 के ऊपर, तो हम बाय करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ दिस। अगर मार्केट इसको रेजिस्टेंस फेस करके इंट्राडे पे दोबारा नीचे आने की कोशिश करती है तो हम अपना टारगेट ये मानेंगे, स्टॉप लॉस अपना ये रखेंगे। तो बहुत बढ़िया, आपको बैंक निफ्टी में मैंने एक स्ट्रैटेजी बता दी है, और जैसे ही अपने 50% के लेवल के ऊपर निकलती है या फिर अपने 78% लेवल के नीचे निकलती है तो आपको तो टारगेट्स गाइस पता ही है क्या क्या टारगेट्स होंगे, जो कि पहला टारगेट होगा 38 रिट्रेसमेंट लेवल और हायर साइड, और नीचे की टाइम में आप देख सकते हैं 26,400 तक की भी लेवल दिखा सकता। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी की शेयर कर दी है। आप टेलीग्राम पे आपको ये लेवल्स भी मैं आपको कल सुबह सुबह प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको नोट नहीं कर पाए होंगे तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं गाइस। और जो दिवाली भी आने वाली है गाइस, कुछ टाइम पे, थोड़े टाइम ही बचे, 2 हफ्ते बचे, तो एक दिवाली के लिए एक बेस्ट ऑफर भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। जो कॉल्स हम प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑफर आप लोगों के लिए आ रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आप जुड़े रहेंगे तो आपको एक ऑफर बहुत अच्छा प्रोवाइड होगा। सो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वीडियो पे आपको यहाँ पर देखिए यूट्यूब का एक आइकन दिख रहा होगा वीडियो के अंदर ही, उसको प्रेस करके आप यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, और साइड में आपको एक बेल आइकन भी दिखेगा सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद। तो उसे दबाने से बेल आइकन को होगा ये कि जब भी मेरी वीडियोस अपलोड होगी आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब के थ्रू चैनल के अंदर सबसे पहले आपको दिख जाएगी और आप उसे देख सकते हैं। और गाइस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये जो आपको स्ट्रैटेजीज मैं बताता हूँ आपको समझ में आती है, पसंद आती है, क्या आप ट्रेड लेते हैं तो आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता। गाइज मेरी तबीयत ठीक है तो मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, आपके साथ रेगुलर में ट्रेड में ध्यान दूंगा, और मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो के साथ। तो मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।